नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास कायाकल्प का 15वां भाग। ठाकुर हरि सेवक सिंह दावत खाकर पहुंचे तो डर रहे थे कि लौंगी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। अगर यह कहूं कि मुंशी जी ने मेरे साथ चाल चली तो जिंदा न छोड़ेगी, तानों से कलेजा छलनी कर देगी। जो कहूं कि मनोरमा को पसंद है तो मैं क्या करता, तो भी न बचने पाऊंगा। चुड़ैल वकीलों की तरह बहस करती है, बस उसे राजी करने की एक ही तरकीब है, किसी पंडित को फांसना चाहिए जो उसके सामने यह कह दे कि राजा साहब की आयु 125 वर्ष की है। जब तक इस बात का उसे विश्वास ना आ जाएगा, वह किसी तरह राजी ना होगी। ठाकुर साहब ज्यों ही घर पहुंचे, लौंगी ने पूछा, वहां क्या बातचीत हुई? दीवान साहब, शादी ठीक हो गई और क्या। लौंगी, और मैंने इतना समझा जो दिया था। दीवान साहब, भाग्य भी तो कोई चीज है। लौंगी, भाग्य पर वह भरोसा करता है जिसमें पौरुष नहीं होता। लड़की को डुबा दिया, ऊपर से शर्माते नहीं, कहते हो भाग्य भी कोई चीज है। दीवान साहब, तुम मुझे जैसा गधा समझती हो वैसा गधा नहीं हूं। मैंने राजा साहब की कुंडली एक बड़े विद्वान ज्योतिषी को दिखलाई और जब उसने कह दिया कि राजा साहब की उम्र बहुत बड़ी है, कोई संकट नहीं है, तब आकर मैंने मंजूर कर लिया। लौंगी, राजा साहब ने किसी पंडित को सिखा पढ़ा कर खड़ा कर दिया होगा। दीवान साहब, क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी ही समझ लिया है? लौंगी, अनाड़ी तो तुम हो ही, न जाने किस तरह दीवानी कर लेते हो। अच्छा बताओ, वह कौन पंडित था? दीवान साहब, इसी शहर के नामी पंडित हैं, मेरी उनसे पुरानी मुलाकात है, वे मुझे कभी धोखा ना देंगे। अगर कोई बात गड़बड़ होती तो वे साफ साफ कह देते। हम और वे अलग अलग एक कमरे में बैठे थे। उन्होंने बड़ी देर तक कुंडली को देखकर कहा, कोई शंका की बात नहीं, आप भगवान का नाम लेकर विवाह स्वीकार कर लीजिए। राजा साहब की आयु 125 वर्ष की है। लौंगी, तुम कल उस पंडित जी को यहां बुला लेना, जब तक मेरे सामने ना कह देंगे मुझे विश्वास ना आएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल लौंगी ने पंडित की रट लगाई और दीवान साहब को विवश होकर मुंशी वज्रधर के पास जाना पड़ा। वज्रधर सारी कथा सुनकर बोले, आपने यह बुरा रोग पाल रखा है, एक बार डांट कर कह दीजिए, चुप बैठी रह, तुझे इन सब बातों से क्या मतलब, फिर देखूंगा कैसे बोलती है। दीवान साहब, भाई इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, वह कभी जरा रूठ जाती है तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि बिना उसके मैं जिंदा कैसे रहूंगा। मैं तो उसके बिना पूछे भोजन भी नहीं कर सकता, वह मेरे घर की लक्ष्मी है। आपकी किसी ज्योतिषी से जान पहचान है? मुंशी जी, जान पहचान तो बहुतों से है, लेकिन देखना तो यह है कि काम किससे निकल सकता है। कोई अच्छा आदमी तो यह स्वांग भरने ना पाएगा, कोई पंडित बनाना पड़ेगा। दीवान साहब, यह तो बड़ी मुश्किल हुई। मुंशी जी, मुश्किल क्या हुई, मैं अभी बनाए देता हूं, ऐसा पंडित बना दूंगा कि कोई भांप न सके, इन बातों में क्या रखा है। यह कहकर मुंशी जी ने झिनकू को बुलाया, वह एक ही छटा हुआ था, फौरन तैयार हो गया। घर जाकर माथे पर तिलक लगाया, गले में राम नामी चादर डाली, सिर पर एक टोपी रखी और एक बस्ता बगल में दबाए आ पहुंचा। मुंशी जी उसे देखकर बोले, यार जरा सी कसर रह गई, तूंद के बगैर पंडित कुछ जस्ता नहीं। लोग यही समझते हैं कि इनको तर माल नहीं मिलते, जब ही तो तांत हुए जा रहे हैं। तोंदल आदमी की शान ही और होती है, चाहे पंडित बने, चाहे सेठ, चाहे तहसीलदार ही क्यों ना बन जाए, उसे सब कुछ भला मालूम होता है। मैं तोंदल होता तो अब तक न जाने किस ओहदे पर होता। सच पूछो तो तोंद ना रहने के कारण अफसरों पर मेरा रोब ना जमा। बहुत घी दूध खाया, पर तकदीर में बड़ा आदमी होना ना बदा था, तोंद ना निकली। तोंद बना लो, नहीं तो उल्लू बनाकर निकाल दिए जाओगे, या किसी तोंदमल को पकड़ो। झिनकू, सरकार तोंद होती तो आज मारा मारा क्यों फिरता, मुझे भी ना लोग झिनकू उस्ताद कहते। कभी तबला ना होता तो तोंद ही बजा देता, मगर तोंद ना रहने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ कई पंडित बिना तोंद के भी हैं। मुंशी जी, कोई बड़ा पंडित भी है बिना तोंद का? झिनकू, नहीं सरकार, कोई बड़ा पंडित तो नहीं है,
तोंद के बिना कोई बड़ा हो कैसे जाएगा, कहिए तो कुछ कपड़े लपेटूं। मुंशी जी, तुम तो कपड़े लपेट कर पिंडोगी से मालूम होगे। तकदीर पेट पर सबसे ज्यादा चमकती है, इसमें शक नहीं, लेकिन और अंगों पर भी तो कुछ ना कुछ असर होता ही है, यह राग ना चलेगा भाई, किसी और को फांसो। झिनकू, सरकार अगर मालकिन को खुश न कर दूं तो नाक काट लीजिएगा, कोई अनाड़ी थोड़ी ही हूं। खैर, तीनों आदमी मोटर पर आ बैठे और एक क्षण में घर जा पहुंचे। दीवान साहब ने जाकर कहा, पंडित जी आ गए, बड़ी मुश्किल से आए हैं। इतने में मुंशी जी भी आ पहुंचे और बोले, कोई नया आसन बिछाइएगा, कुर्सी पर नहीं बैठते, आज न जाने क्या समझकर इस वक्त आ गए, नहीं तो दोपहर से पहले कोई लाख रुपए दे तो भी नहीं आते। पंडित जी बड़े गर्व के साथ मोटर से उतरे और जाकर आसन पर बैठे। लौंगी ने उनकी ओर ध्यान से देखा और तीव्र स्वर में बोली, आप ज्योतिषी हैं, ऐसी सूरत होती है ज्योतिषियों की, मुझे तो कोई भांड से मालूम होते हो। मुंशी जी ने दांतों तले जवान तवा ली। दीवान साहब ने छाती पर हाथ रख लिया और झिनकू के चेहरे पर तो मुर्दनी छा गई, कुछ जवाब देते ही न बन पड़ा। आखिर मुंशी जी बोले, यह क्या गजब करती हो लौंगी रानी, अपने घर पर बुलाकर महात्माओं की यह इज्जत की जाती है। लौंगी, लाला तुमने बहुत दिनों तहसीलदारी की है तो मैंने भी धूप में बाल नहीं पकाए हैं, एक बहुरुपये को लाकर खड़ा कर दिया, ऊपर से कहते हो ज्योतिषी है, ऐसी ही सूरत होती है ज्योतिषी की, मालूम होता है महीनों से दाने की सूरत नहीं देखी, मुझे क्रोध तो इन दीवान पर आता है, तुम्हें क्या कहूं। झिनकू, माता तूने मेरा बड़ा अपमान किया है, अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं ठहरूंगा, तुमको इसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लौंगी, लो बस चले ही जाओ मेरे घर से, धूर्त पाखंडी कहीं का, बड़ा ज्योतिषी है तो बता मेरी उम्र कितनी है। लाला अगर तुम्हें धन का लोभ हो तो जितना चाहो मुझसे ले लो, मेरी बिटिया को कुएं में ना ढकेलो, क्यों उसके दुश्मन बने हुए हो, जो कुछ कर रहे हो उसका सारा दोष तुम्हारे ही सिर जाएगा, तुम इतना भी नहीं समझते कि बूढ़े आदमी के साथ कोई लड़की कैसे सुख से रह सकती है, धन से बूढ़े जवान तो नहीं हो जाते। जिनकू, माता जी राजा साहब की आयु ज्योतिष विद्या के अनुसार। लौंगी, तू फिर बोला, चुप खड़ा रख क्यों नहीं रह जाता। झिनकू, दीवान साहब अब नहीं ठहर सकता। लौंगी, क्यों ठहरोगे क्यों नहीं, दक्षिणा तो लेते जाओ। यह कहकर लौंगी ने कोठरी में जाकर कजलौटे से काजल निकाला और तुरंत बाहर आ एक हाथ से झिनकू को पकड़ा और दूसरे से उसके मुंह पर काजल पोत दिया। बहुत उछले कूदे, बहुत फड़फड़ाए, पर लौंगी ने जौ भर भी हिलने ना दिया, मानो बाज ने कबूतर को दबोच लिया हो। दीवान अब अपनी हंसी न रोक सके, मारे हंसी के मुंह से बात तक न निकलती थी। मुंशी जी अभी तक झिनकू की विद्या का राग अलाप रहे थे और लौंगी झिनकू को दबोचे हुए चिल्ला रही थी, थोड़ा चूना लाओ तो इसे पूरी दक्षिणा दे दूं, मेरे धन्य भाग की आज ज्योतिषी जी के दर्शन हुए हैं। आखिर मुंशी जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने लौंगी का हाथ पकड़कर चाहा कि झिनकू का गला छुड़ा ले। लौंगी ने झिनकू को तो न छोड़ा, एक हाथ से तो उनकी गर्दन पकड़े हुई थी, दूसरे से मुंशी जी की गर्दन पकड़ ली और बोली, मुंह से जोर दिखाते हो लाला, बड़े मर्द हो तो छुड़ा लो गर्दन, बहुत दूध घी बेगार में लिया होगा, देखे वह जोर कहाँ है। दीवान साहब, मुंशी जी आप खड़े क्या हैं, छुड़ा लीजिए गर्दन। मुंशी जी, मेरी यह सांसत हो रही है और आप खरे हंस रहे हैं। दीवान साहब, तो क्या कर सकता हूँ, आप भी तो देवनी से जोर आजमाए चले थे, आज आपको मालूम हो जाएगा कि मैं इससे इतना क्यों दबता हूँ। लौंगी, ज्योतिषी जी अपनी विद्या का जोर क्यों नहीं लगाते, क्यों रे, अब तो कभी ज्योतिषी ना बनेगा। झिनकू, नहीं माता जी, बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। लौंगी ने दीवान साहब की ओर सरोष नेत्रों से देखकर कहा, मुझसे यह चाल चली जाती है, क्यों लड़की को राजा साहब से ब्याह कर तुम्हारा मर्तबा बढ़ जाएगा, क्यों धन और मर्तबा संतान से भी ज्यादा प्यारा है, लगा दो आग घर में, घोंट दो लड़की का गला, अभी मर जाएगी मगर जन्म भर के दुख से तो छूट जाएगी, धन और मर्तबा अपने पौरुष से मिलता है, लड़की बेचकर धन नहीं कमाया जाता,
या नीचों का काम है, भले मानसों का नहीं। मैं तुम्हें इतना स्वार्थी ना समझती थी लाला साहब। तुम्हारे मरने के दिन आ गए हैं, क्या पाप की गठरी लादते हो? मगर तुम्हें समझाने से क्या होगा, इसी पाखंड से तुम्हारी उम्र कट गई, अब क्या संभलोगे? मरती बार भी बाप करना बदा था, क्या करते? और तुम भी सुन लो ज्योतिषी जी, अब कभी भूल कर भी स्वांग न भरना, धोखा देकर पेट पालने से मर जाना अच्छा है, जाओ। यह कहकर लौंगी ने दोनों आदमियों को छोड़ दिया। झिनकू तो बकटूट भागा, लेकिन मुंशी जी वहीं सिर झुकाए खड़े रहे। जरा देर के बाद बोले, दीवान साहब, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं जाकर राजा साहब से कह दूं कि दीवान साहब को मंजूर नहीं है। दीवान साहब, अब भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या अभी भी कुछ सांसद कराना चाहते हैं? मुंशी जी, सांसद तो मेरी यहाँ क्या करती, मैंने औरत समझकर छोड़ दिया। दीवान साहब, आप आज जाके साफ साफ कह दीजिएगा। लौंगी, क्या साफ साफ कह दीजिएगा? अब क्या साफ साफ कहलाना चाहते हो? किसी को खाने का न्योता ना दो तो वह बुरा ना मानेगा, लेकिन न्योता देकर अपने द्वार से भगा दो तो तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाएगा। अब साफ साफ कहने का अवसर नहीं रहा, जब न्योता दे चुके हो तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे लोटा थाली बेचकर ही क्यों न खिलाओ, कह के मुकरने से बैर हो जाएगा। दीवान साहब, बैर की चिंता नहीं, नौकरी की मैं परवाह नहीं करता। लौंगी, हाँ तुमने तो कारू का खजाना घर में गार रखा है, इन बातों से अब काम न चलेगा। अब तो जो होनी थी हो चुकी, राम का नाम लेकर ब्याह करो, पुरोहित को बुलाकर साहित सगुन पूछताछ लो और लगन भेज दो, एक ही लड़की है, दिल खोल कर काम करो। मुंशी जी को अपनी सांसद का पुरस्कार मिल गया, मारे खुशी के बगले बजाने लगे, विरोध की अंतिम क्रिया हो गई, आज ही से विवाह की तैयारियां होने लगी। दीवान साहब स्वभाव के कृपण थे, कम से कम खर्च में काम निकालना चाहते थे, लेकिन लौंगी के आगे उनकी एक न चली। उसके पास रुपए न जाने कहां से निकलते आते थे, मानो किसी रसिक के प्रेमोद्गार हो। 3 महीने तैयारियों में गुजर गए, विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। सहसा एक दिन शाम को खबर मिली कि जेल में दंगा हो गया और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है, बचना मुश्किल है। मनोरमा के विवाह की तैयारियां तो हो ही रही थी और यूं भी देखने में वह बहुत खुश नजर आती थी, मगर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय को मथा करती थी, अंधों की भांति इधर उधर टटोलती थी, पर न चलने का मार्ग मिलता था न विश्राम का आधार। उसने मन में एक बात निश्चय की थी और उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी वह जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना निरस मालूम होता था कि घंटों वह मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ नहीं है, अनंत आकाश में केवल वही अकेली है। यह भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा को हौल दिल सा हो गया, आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं, बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों ना होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्द अच्छा हो जाएगा। लौंगी मनोरमा के मनोभावों को जानती थी, उसने सोचा इस अबला को कितना दुख है, मन ही मन तिलमिलाकर रह गई, हाय चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मोती चुगाने की चेष्टा की जा रही है, तरप तरप कर पिंजरे में प्राण देने के सिवा और क्या करेगी वह, मोती में चमक है, वह अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा तो नहीं सकता, उसे गले में बांध लेने से शुदा तो ना मिटेगी। मनोरमा ने फिर पूछा, भगवान सज्जन लोगों को क्यों इतना कष्ट देते हैं अम्मा, बाबूजी का सा सज्जन दूसरा कौन होगा, उनको भगवान इतना कष्ट दे रहे हैं, मुझे कभी कुछ नहीं होता, कभी सिर भी नहीं दुखता, मुझे क्यों कभी कुछ नहीं होता अम्मा। लौंगी, तुम्हारे दुश्मन को कुछ हो बेटी, तुम तो कभी घड़ी भर चैन न पाती थी, तुम्हें गोद में लिए रात भर भगवान का नाम लिया करती थी। सहसा मनोरमा के मन में एक बात आई, उसने बाहर आकर मोटर तैयार कराई और दम के दम में राजभवन की ओर चली। राजा साहब इसी तरफ आ रहे थे,
मनोरमा को देखा तो चौंके। मनोरमा घबराई हुई थी। राजा साहब, तुमने क्यों कष्ट किया, मैं तो आ रहा था। मनोरमा, आपको जेल के दंगे की खबर मिली? राजा साहब, हाँ मुंशी जी वज्रधर अभी कहते थे। मनोरमा, मेरे बाबूजी को गहरा घाव लगा है। राजा साहब, हाँ यह भी सुना। मनोरमा, तब भी आपने उन्हें जेल से बाहर अस्पताल में लाने के लिए कार्रवाई नहीं की, आपका हृदय बड़ा कठोर है। राजा साहब ने कुछ चिढ़कर कहा, तुम्हारे जैसा हृदय कहां से लाऊं। मनोरमा, तुम मुझसे मांग क्यों नहीं लेते, बाबूजी को बहुत गहरा घाव लगा है और अगर यत्न ना किया गया तो उनका बचना कठिन है। जेल में जैसा इलाज होगा आप जानते ही हैं, न कोई आगे न कोई पीछे, न मित्र न बंधु। आप साहब को एक खत लिखिए कि बाबूजी को अस्पताल में लाया जाए। राजा साहब, साहब मानेंगे? मनोरमा, इतनी जरा सी बात न मानेंगे? राजा साहब, न जाने दिल में क्या सोचें। मनोरमा, आपको अगर बहुत मानसिक कष्ट हो रहा हो तो रहने दीजिए, मैं खुद साहब से मिल लूंगी। राजा साहब यह तिरस्कार सुनकर कांप उठे, कातर होकर बोले, मुझे किस बात का कष्ट होगा, अभी जाता हूं। मनोरमा, लौटिएगा कब तक? राजा साहब, कह नहीं सकता। यह कहकर राजा साहब मोटर पर जा बैठे और शोफर से मिस्टर जिम के बंगले पर चलने को कहा। मनोरमा की निष्ठुरता ने उनका चित्त बहुत खिन्न कर दिया था। मेरे आराम और तकलीफ का इसे जरा भी ख्याल नहीं, चक्रधर से न जाने क्यों इतना स्नेह है, कहीं उससे प्रेम तो नहीं करती। नहीं नहीं यह बात नहीं, सरल हृदय बालिका है, यह कौशल क्या जाने। चक्रधर आदमी ही ऐसा है कि दूसरों को उससे मोहब्बत हो जाती है, जवानी में सहृदयता कुछ अधिक होती है। कोई मायाविनी स्त्री होती तो मुझसे अपने मनोभावों को गुप्त रखती, जो कुछ करना होता चुपके चुपके करती, पर इसके निश्चल हृदय में कपट कहाँ। जो कुछ कहती है मुझी से कहती है, जो कष्ट होता है मुझी को सुनाती है, मुझ पर पूरा विश्वास करती है। ईश्वर करे साहब से मुलाकात हो जाए और वे मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले। जिस वक्त मैं आकर यह शुभ समाचार कहूंगा कितनी खुश होगी। यह सोचते हुए राजा साहब मिस्टर जिम के बंगले पर जा पहुंचे। शाम हो गई थी, साहब बहादुर शहर करने जा रहे थे। उनके बंगले में वह ताजगी और सफाई थी कि राजा साहब का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके यहाँ दर्जनों माली थे, पर बाग इतना हरा भरा न रहता था, यहाँ की हवा में आनंद था। इकबाल हाथ बांधे वे खरा मालूम होता था। नौकर चाकर कितने सलीकेदार थे, घोड़े कितने समझदार, पौधे कितने सुंदर, यहाँ तक कि कुत्तों के चेहरों पर भी इकबाल की आभा झलकती थी। राजा साहब को देखते ही जिम साहब ने हाथ मिलाया और पूछा, आपने जेल में दंगे का हाल सुना? राजा साहब, जी हाँ सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जिम, सब उसी की शरारत है, उसी बागी नौजवान का। राजा साहब, हुजूर का मतलब चक्रधर से है? जिम, हाँ उसी से, बहुत ही खौफनाक आदमी है, उसी ने कैदियों को भड़काया है। राजा साहब, लेकिन अब तो उसको अपने किए की सजा मिल गई, अगर बच भी गया तो महीनों चारपाई से ना उठेगा। जिम, ऐसे आदमी के लिए इतनी सजा काफी नहीं, हम उस पर मुकदमा चलाएगा। राजा साहब, मैंने सुना है कि उसके कंधे में गहरा जख्म है और आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि उसे शहर के बड़े अस्पताल में रखा जाए, जहां कुछ उसका अच्छा इलाज हो सके। आपकी इतनी कृपा हो जाए तो उस गरीब की जान बच जाए और जिले में आपका नाम हो जाए। मैं इसका जिम्मा लेता हूं कि अस्पताल में उसकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। जिम, हम एक बागी के साथ कोई रियायत नहीं कर सकता, आप जानता है मुगलों या मरहठों का राज होता तो ऐसे आदमियों को क्या सजा मिलती, खाल खींच लिया जाता, उसके दोनों हाथ काट लिए जाते। हम अपने दुश्मन को कोई रियायत नहीं कर सकता। राजा साहब, हुजूर दुश्मनों के साथ रियायत उनको सबसे बड़ी सजा है। आप जिस पर दया करें वह कभी आपसे दुश्मनी नहीं कर सकता, वह अपने किए पर लज्जित होगा और सदैव के लिए आपका भक्त हो जाएगा। जिम, राजा साहब समझता नहीं, ऐसा सलूक उस आदमी के साथ किया जाता है जिसमें कुछ आदमियत बाकी रह गया हो। बागी का दिल बालू का मैदान है,
उसमें पानी की बूंद भी नहीं होती और ना उसे पानी से सींचा जा सकता है। आदमी में जितना धर्म और शराफत है उसके मिट जाने पर वह बागी हो जाता है। उसे भलमनसी से आप नहीं जीत सकता। राजा साहब को आशा थी कि साहब मेरी बात आसानी से मान लेंगे। साहब के पास वे रोज ही कोई ना कोई तोहफा भेजते रहते थे। उनकी जिद पर चिढ़ कर बोले, जब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि उस पर अस्पताल में काफी निगरानी रखी जाएगी तो आपको मेरी अर्ज मानने में क्या आपत्ति है? जिम ने मुस्कुरा कर कहा, यह जरूरी नहीं कि मैं आपसे अपनी पॉलिसी बयान करूं। राजा साहब, मैं उसकी जमानत करने को तैयार हूं। जिम ने हंसकर कहा, आप उसकी जबान की जमानत तो नहीं कर सकते। हजारों आदमी उसे देखने को रोज जाएगा, आप उन्हें रोक तो नहीं सकते। गंवार लोग यही समझेगा कि सरकार इस आदमी पर बड़ा जुल्म कर रही है। उसे देख देख कर लोग भड़केगा, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? राजा साहब के जी में आया कि इसी वक्त यहां से चल दूं और फिर इसका मुंह न देखूं, पर ख्याल आया कि मनोरमा बैठी मेरी राह देख रही होगी। यह खबर सुनकर उसे कितनी निराशा होगी। ईश्वर, इस निर्दयी के हृदय में थोड़ी सी दया डाल दो। बोले, आप यह हुक्म दे सकते हैं कि उनके निकट संबंधियों के सिवा और कोई उसके पास न जाने पाए? जिम, मेरे हुक्म में इतनी ताकत नहीं है कि अस्पताल को जेल बना दें। यह कहते कहते मिस्टर जिम फीटन पर बैठे और सैर करने चल दिए। राजा साहब को एक क्षण के लिए मनोरमा पर क्रोध आ गया। उसी के कारण मैं अपमान सह रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या गरज पड़ी थी कि इसकी इतनी खुशामत करता। जाकर कह देता हूं कि साहब नहीं मानते, मैं क्या करूं? मगर उसके आंसुओं के भय ने फिर कातर कर दिया। आह, उसका कोमल हृदय टूट जाएगा, आंखों से आंसू की झड़ी लग जाएगी। नहीं, मैं कभी इसका पिंड न छोड़ूंगा। मेरा अपमान हो इसकी चिंता नहीं, लेकिन उसे दुख ना हो। थोड़ी देर तक तो राजा साहब बाग में टहलते रहे, फिर मोटर पर जा बैठे और घंटे भर इधर उधर घूमते रहे। 8 बजे वे लौट कर आए तो मालूम हुआ अभी साहब नहीं आए। फिर लौटे, इसी तरह घंटे भर के बाद वे 3 बार आए, मगर साहब बहादुर अभी तक न लौटे थे। सोचने लगे, इतनी रात गए, अगर मुलाकात हो भी गई तो बातचीत करने का मौका कहाँ? शराब के नशे में चूर होगा, आते ही सोने चला जाएगा। मगर कम से कम मुझे देखकर इतना तो समझ जाएगा कि वे बेचारे अभी तक खड़े हैं, शायद दया आ जाए। 1 बजे के करीब बग्घी की आवाज आई। राजा साहब मोटर से उतरकर खड़े हो गए। जिम भी फीटन से उतरा, नशे से आंखें सुर्ख थी, लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। राजा को देखते ही बोला, ओ ओ, तुम यहां क्यों खड़ा है? भाग जाओ, अभी जाओ, भागो। राजा साहब, हुजूर, मैं हूं राजा विशाल सिंह। जिम, ओ डैम, राजा अभी निकल जाओ, तुम भी बागी है। तुम बागी का सिफारिश करता है, बागी को पनाह देता है, सरकार का दोस्त बनता है, अभी निकल जाओ। राजा और रैयत सब एक हैं, हम किसी पर भरोसा नहीं करता, अपने जोर का भरोसा है। राजा का काम बागियों को पकड़वाना है, उनका पता लगाना है, उनका सिफारिश करना नहीं, अब भी निकल जाओ। यह कहकर वह राजा साहब की ओर झपटा। राजा साहब बहुत ही बलवान मनुष्य थे, वे ऐसे ऐसे दो को अकेले काफी थे, लेकिन परिणाम के भय ने उन्हें पंगु बना दिया। एक घूसा भी लगाया और 5 करोड़ रुपए की जायदाद हाथ से निकली। वह घूसा बहुत महंगा पड़ेगा, परिस्थिति भी उनके प्रतिकूल थी। इतनी रात को उसके बंगले पर आना इस बात का सबूत समझा जाएगा कि उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। दीन भाव से बोले, साहब इतना जुर्म न कीजिए, इसका जरा भी ख्याल न कीजिए कि मैं शाम से अब तक आपके दरवाजे पर खड़ा हूं। कहिए तो आपके पैरों पर हूं, जो कहिए करने को हाजिर हूं, मेरी अर्ज कबूल कीजिए। जिम, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तुम मतलब का आदमी है, हम तुम्हारी चालों को खूब समझता है। राजा साहब, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि मैं उनका इलाज करने के लिए अपना डॉक्टर जेल के अंदर भेज दिया करूं। जिम, ओ डैम इट, बक बक मत करो, सुअर अभी निकल जाओ, नहीं तो हम ठोकर मारेगा।
अब राजा साहब से जब्त न हुआ। क्रोध ने सारी चिंताओं को, सारी कमजोरियों को निगल लिया। राज्य रहे या जाए बला से, जिम ने ठोकर चलाई ही थी कि राजा साहब ने उसकी कमर पकड़कर इतने जोर से पटका कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ा। फिर उठना चाहता था कि राजा साहब छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला जोर से दबाया। कौरी सी आंखें निकल आई, मुंह से फिचकुर बहने लगा। सारा नशा, सारा क्रोध, सारा रोब, सारा अभिमान रफू चक्कर हो गया। राजा साहब ने गला छोड़कर कहा, गला घोंट दूंगा, इस फेर में मत रहना, कच्चा ही चबा जाऊंगा। चपरासी या अहलकार नहीं हूं कि तुम्हारे ठोकरे सह लूंगा। जिम, राजा साहब आप सचमुच नाराज हो गया, मैं तो आपसे दिल्लगी करता था। आप तो बलवान हैं, पहलवान हैं, आप दिल्लगी में बुरा मान गया। राजा साहब, बिल्कुल नहीं, मैं भी दिल्लगी कर रहा हूं, अब तो आप फिर मेरे साथ दिल्लगी ना करेंगे। जिम, कभी नहीं, कभी नहीं। राजा साहब, मैंने जो अर्ज की थी वह आप मानेंगे या नहीं? जिम, मानेंगे, मानेंगे, हम सुबह होते ही हुक्म देगा। राजा साहब, दगा तो ना करोगे? जिम, कभी नहीं, कभी नहीं, आप भी किसी से यह बात ना कहना। राजा साहब, दगा की तो इसी तरह फिर पटकूंगा, याद रखना। राजा साहब मिस्टर जिम को छोड़कर उठ गए। जिम भी गर्द झाड़ कर उठा और राजा साहब से बड़े तपाक के साथ हाथ मिलाकर उन्हें रुखसत किया। जरा भी शोरगुल ना हुआ। जिम साहब के साइज के सिवा और किसी ने मलयुद्ध नहीं देखा था और उसकी मारे डर के बोलने की हिम्मत ना पड़ी। राजा साहब दिल में सोचते जाते थे कि देखें वादा पूरा करता है या मुकर जाता है, कहीं कल कोई शरारत न करे। देखा जाएगा, इस वक्त तो ऐसी पटकनी दी है कि बच्चा याद करते होंगे। यह सब वादे के तो सच्चे होते हैं। सुबह देखूंगा, अगर हुक्म ना दिया तो फिर आऊंगा। इतना डर तो उसे भी होगा कि मैंने दगा की तो वह कलई खोल देगा। सज्जनता से तो नहीं, इस भय से जरूर वादा पूरा करेगा। मनोरमा अपने घर चली गई होगी, तड़के ही जाकर उसे यह खबर सुनाऊंगा, खिल उठेगी। आह, उस वक्त उसकी छवि देखने ही योग्य होगी। राजा साहब घर पहुंचे तो 1:30 बज गया था और अभी तक सोता न पड़ा था। नौकर जाकर उनकी राह देख रहे थे। राजा साहब मोटर से उतरकर ज्यों ही बरामदे में पहुंचे तो देखा मनोरमा खड़ी है। राजा साहब ने विस्मित होकर पूछा, क्या तुम अभी घर नहीं गई? तब से यहीं हो? रात तो बहुत बीत गई। मनोरमा, एक किताब पढ़ रही थी, क्या हुआ? राजा साहब, कमरे में चलो, बताता हूं। राजा साहब ने सारी कथा आदि से अंत तक बड़े गर्व के साथ खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की। मनोरमा तन्मय होकर सुनती रही। ज्यों ज्यों वह वृतांत समाप्त हुआ तो वह प्रेम और भक्ति से गदगद होकर राजा साहब के पैरों पर गिर पड़ी और कांपती हुई आवाज से बोली, मैं आपका यह एहसान कभी ना भूलूंगी। आज ज्ञात रूप से उसके हृदय में प्रेम का अंकुर पहली बार फूटा। वह एक उपासक की भांति अपने उपास्य देव के लिए बाग में फूल तोड़ने आई थी, पर बाग की शोभा देखकर उस पर मुग्ध हो गई। फूल लेकर चली तो बाग की सुरम्य छटा उनकी आंखों में समाई हुई थी। उसके रोम रोम से यही ध्वनि निकलती थी, आपका एहसान कभी न भूलूंगी। स्तुति के शब्द उसके मुंह तक आकर निकल गए। वह घर चली तो चारों ओर अंधकार और सन्नाटा था, पर उसके हृदय में प्रकाश फैला हुआ था और उस प्रकाश में संगीत की मधु ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। एक क्षण के लिए वह चक्रधर की दशा भी भूल गई, जैसे मिठाई हाथ में लेकर बालक अपने छिदे हुए कान की पीड़ा भूल जाता है। धन्यवाद।